सब्सक्राइब कीजिए द अमित पांचाल चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके मेरे चैनल द अमित पांचाल में फिर से स्वागत है। तो गाइज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ MI यूज़र्स के लिए हैं, वो लोग जो कि MI के हैंडसेट को यूज़ करते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो होम स्क्रीन होती है उस पर जो क्लॉक है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। ओके, तो देखिए, सबसे पहले थीम पे आएँ और थीम पे जो भी आपको थीम पसंद आए पहले आप वो इंस्टॉल कर लें। देखिए, मगर उससे पहले आप ये चेक कर लें कि होम स्क्रीन पे किस तरह की क्लॉक है। देखिए, यहाँ पे ये जो लेफ्ट में दिया हुआ है ये 2:36 लिखा हुआ है, 2:23 हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से इसमें क्लॉक दिखेगी। इसमें ये 3:09 है तो इस तरीके से इस स्टाइल में दिखेगी। ठीक है, इसमें देखिए 3:36 है तो कुछ इस तरीके से क्लॉक दिखती है इसमें। तो यहाँ पर काफ़ी सारे थीम है, जिस तरह की आपको क्लॉक अपने होम स्क्रीन पर चाहिए पहले वो वाला थीम आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि आपको वो थीम इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, मतलब सेट करना पड़ेगा। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप उस थीम को इंस्टॉल करके रखें फ़ोन में और उसको सेट ना करें, सिर्फ उसकी आप क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हाल फिलहाल जैसे 4:44 हो रही है, ये कुछ क्लॉक है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर अलार्म ओपन हो जाता है, तो मुझे इस तरीके से टैप नहीं करना है। ओके, अब जो भी आपका फ़ोन है उसमें लेफ़्ट बटन पर टैप करके रखें, उसके बाद क्लॉक पर टैप करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर दो तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो क्लासिक और डिफ़ॉल्ट, दूसरा है सिंपल बिग। ठीक है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से क्लॉक दिखाई देती है। ठीक है, दोबारा मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा है एल्गोलिया नाम से एक थीम है, ये उसकी क्लॉक है, तो ये इस तरीके से दिख जाएगा। गाइस देखिए, अभी यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा है 35°C, मथुरा है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ओके, और 4:44 हो रही हैं। दोबारा से एक और चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर iOS फ्रेश नेम से है एक, तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है गाइस, तो आप जो भी आपको क्लॉक जिस थीम में जो भी आपको क्लॉक पसंद आती है आप उस थीम को पहले अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से आप अपने होम स्क्रीन पर क्लॉक को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल द अमित पांचाल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और लाइक इसलिए करना जिससे कि मुझे पता पड़ सके कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। थैंक्स, हैव अ गुड डे गाइस, बाय।